तो हाय गाइस, इस वीडियो बात करूंगा आपके IIM यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्स के बारे में। ये आपको दो कैंपस में देखने को मिल जाएगी, आपके नोएडा और गुड़गांव कैंपस में। लेकिन जो नोएडा कैंपस है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं बेसिकली नोएडा कैंपस में फोकस करूंगा ज़्यादा। फीस मैं आपको दोनों कैंपस की बता दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा जो प्लेसमेंट्स की बात करूंगा वो आपकी करूंगा नोएडा कैंपस की। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया, अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th और 12th में। दोनों क्लासेस में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आगे शुरू होगा। और उसके बाद बात करें आपके एडमिशन कैसे हो सकती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है आपके CUET के बेसिस पे, आपके JEE के स्कोर के बेसिस पे, या फिर आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर जो IIM का आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेसिस आपकी जो सिलेक्शन है वो हो सकती है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे अगर आपके बोर्ड्स में इतने परसेंट आए हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया आप IIM की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, या फिर उनके काउंसलर से कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। और उसके बाद बात करें अगर फीस की, तो आपका जैसे आपको पता है मैं बीटेक CC की बात करूंगा मेनली, क्योंकि मेरे को लगता है कि CS जो है वो ज़्यादा फायदा देगा आपको बाकी कोई स्पेशलाइजेशन से। तो बीटेक CC की अगर बात करूँ, 4-year कोर्स आपका, 8 semesters हैं, और जो पर ईयर आपकी फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 1,84,000। ये मैं बता रहा हूँ आपको आपके नोएडा कैंपस की। लेकिन अगर मैं बात करूँ गुड़गांव कैंपस की, गुरुग्राम कैंपस की, तो वो अराउंड 1 year की आपकी 3,40,000 है। तो गुरुग्राम कैंपस की काफ़ी हाई फीस देने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू आपको नोएडा कैंपस की। तो मैं आपको रेकमेंड नोएडा कैंपस ही करूँगा, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। और आप बात करें अगर प्लेसमेंट्स की, तो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी इस कोर्स की वो थी अराउंड 18 lakhs, और अगर बात करें एक आपके एवरेज पैकेज की तो वो थी अराउंड 5 to 6 LPA। तो आपको जो हाईएस्ट है वो ठीक ठाक पैकेज देखने को मिल रहा है, और अगर बात करें एवरेज की तो वो आपको एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है। तो प्लेसमेंट्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें फीस की, तो फीस अगर नोएडा की बात करें, नोएडा की अच्छी फीस देखने को मिल रही है, लेकिन गुड़गांव की थोड़ी हाई देखने को मिल जाती है। कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, मतलब अफोर्ड की बात बाद में आती है, लेकिन प्लेसमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो वो फीस हाई है काफ़ी गुड़गांव की, और नोएडा की काफ़ी ठीक देखने को आपको मिल रही है बाकी अगर हम प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें तो। और उसके बाद बात करें कि अगर आपको एडमिशन लेना है अगर इस कोर्स में, तो आप कैसे ले सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में IIM यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दे रखा है, जैसे फॉर्म पे क्लिक करोगे आपके, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपकी IIM की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी और आपका एडमिशन ओपन हो जाएगा। वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो और एडमिशन करवा सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो मैंने 4 numbers दे रखे हैं सपोर्ट के लिए आपके, अगर आप कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते हुए, आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स रिलेटेड, तो आप उस नंबर पर चैट कॉल करके उससे पूछ सकते हो क्या क्या प्रोसेस है, और जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आपको प्रॉपरली डाउट समझा देंगे आपका, और आपका डाउट क्लियर कर देंगे ताकि आपकी एक हेल्प हो जाए। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर हो सकते हो एडमिशन करवा सकते हो। और किसी को कॉलेज चैट नहीं रहता है, गूगल फॉर्म बन भी दे रखे, जैसे आप फॉर्म फिल करोगे IIM यूनिवर्सिटी की टीम थोड़ी देर कनेक्ट करेगी, प्रॉपरली प्रोसेस समझा देगी और आपकी एडमिशन करवा देगी। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप फटाफट एडमिशन करवा लो अपनी, क्योंकि एडमिशन जल्दी क्लोज भी होने वाले हैं। तो मैंने आपको प्लेसमेंट बता दिया, फीस बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, और कैंपस की थोड़ी बात बता देता हूँ आपको लास्ट में, कैंपस का बताता हूँ आपको। तो कैंपस आपका 27 acres का कैंपस है, काफी छोटा कैंपस देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सुंदर कैंपस बनाया हुआ है। तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको और अपनी एडमिशन ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर चेकआउट कर लो और अपनी एडमिशन करवा लो।